मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में 45 वर्षीय शख्स का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गौतम पाड़ा स्थित किशोरपुरा निवासी सतेंद्र कुमार उर्फ पप्पू, उम्र करीब 45 वर्ष, रात्रि सब्जी लेने के लिए मंडी के लिए निकले थे। सतेंद्र घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उन्हें काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। बुधवार सुबह पास के ही गैराज में सतेंद्र का शव अधजला मिला। शव को देखकर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और जिसने भी शव मिलने की सुना वह घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ा। देखते ही देखते दर्जनों की संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सतेंद्र की हत्या हुई है या उन्होंने खुद आग लगाकर आत्महत्या की है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मृतक के बेटे गौरव शर्मा ने बताया कि रात को सब्जी लेने के लिए निकले थे, टेम्पो चलाने का काम करते हैं। सुबह पड़ोसियों ने सूचना दी कि पिताजी का अधजला शव पड़ा हुआ है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। जी कौन थे आपके? ये पापा है मेरे। जी कब आए थे घर से? ये रात को 11 बजे आए थे। क्या कह के निकले थे? कि मैं मंडी जाऊंगा तो मैं जा रहा हूँ। क्या नाम था, कितनी उम्र रही होगी इनकी? इनकी उम्र 44 होगी शायद। क्या नाम था इनका? इनका वैसे तो सत्यनारायण शर्मा। अच्छा, पप्पू बोलते हैं। कैसे आग लगा ली इनको पता लगा कुछ? पता नहीं, मुझे नहीं पता। आपको सूचना कैसे लगी? तो आया तो फोन करा, हमारा जो घर पे किराया रहता है उसने। किसी कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.